रासोत्सव या राधा विवाहोत्सव सर्वोत्तम है। उसमें ब्रज लीला में नंदोत्सव से आरंभ होकर आओ इतनी ब्रज लीलाएं श्री भागवत में या दूसरे पुराणों में कही गई सारे व्रजलीलाओं में सर्वश्रेष्ठ रसलीला रासलीला ही है। इसलिए भक्तों गाते हैं सार सार सबके सार राधा रास विहार गाते हैं राधा रसी क्यवर रास विहार सार 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 ऐसा कहते सबसे सार कहते भी रास आ जाता सार रास है रास तो सब सार है गई रसानुभव है सचमुच रसानुभव है रस है क्या है सचमुच रस है रस है रस कहते गई षड्रस भी गई श्रृंगार आदि नवरस भी गई सचमुच रस क्या है रस तो भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वै सह रसगृह्येवायं लब्धि आनंदी भवती ऐसा उपनिषदों में कहा जाता। सचमुच सच्चा रस तो ब्रह्म रसी श्री कृष्ण रस ही है सच्चा रस। उस रस में बाकी सब रस विरस हो जाए कृष्णा रस में। भगवान गीता में भी सब रस में उच्चतर श्री कृष्ण रस है। श्रीमद्भागवत तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है इसीलिए तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित् ऐसा कह दिया। जो कृष्ण रस में मग्न हो गए उसको इस दुनिया में बाकी जो कोई रस हो सब विरस हो जाए। श्री कृष्ण रस में डूबे हुए भक्तों के लिए तद्रसामृत तृप्तस्य ऐसे कृष्ण रस ब्रह्मरसा सवार्थी भी ही ऐसा कहते ब्रह्मरस साक्षात श्री कृष्ण रस है उसी रसानुभव है उसी रसानुभव रास है ऐसा कह। रास को मधुर भावना से श्री कृष्ण की मधुर लीला गई श्रृंगार लीला गई ऐसे ही देखना ही उचित ही। तथापि रास को साक्षात श्री सुखदेव का अनुभव है ब्रह्मनिष्ठों का जो अनुभव है वही रास है ऐसा ही देखे। क्योंकि यस्तो केवल काम रस नहीं है जो काम को जीतने वाला ऐसे ब्रह्मनिष्ठों के विषय में भी रास है। काम लीला नहीं लोक मानते हैं प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यागमत प्रथाम ऐसा प्रेम और काम इस दो है प्रेम और काम इस दोनों के डिफरेंस क्या विशेष क्या है। काम तो इंद्रिय प्रीति प्रेम तो स्वरूप लक्षण। जब इंद्रिय प्रीति चैतन्य महाप्रभु कहते जब इंद्रियों के प्रीति गई वह काम है प्रेम तो आत्मस्वरूप ही है। स्वरूप का लक्षण ही स्वरूप का अनुभव ही कृष्णेन्द्रिय प्रीति नाम प्रेम ऐसा कहते। आत्मेन्द्रिय प्रीति नाम काम है कृष्णेन्द्रिय प्रीति नाम प्रेम है ऐसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते। कृष्ण परमात्मा है परमात्मा का जो अनुभव है वही प्रेम है।
शरीर इंद्रियों का जो अनुभव है वही काम, ऐसे ठीक है, जान सकते हैं, किंतु जान सकते हैं शरीर अनुभव है इंद्रियानुभव ही काम ही जान सकते हैं, प्रेम क्या है, आत्मा का अनुभव है कहते हैं, आत्मानुभव है अब तक के जन्म से जन्म जन्म से भी हम इंद्रिय विषयों का ही अनुभव कर रहते हैं, आत्मा तक नहीं जा सकता, आत्मा क्या है, आत्मानुभव ही ऐसा कहते। जब सुखदेव जी जैसा ब्रह्मनिष्ठ है उन्हीं को ही आत्मज्ञानानुभव है इस जान सकते हैं, वह उसमें मग्न हो गए। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथाप्युक्रमे कुर्वन्त्यघैयुतिकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। आत्मा राम ब्रह्मज्ञानियों को अनुभूति में जो साक्षात कृष्णानुभव है वही रास है, तब गोपियों के बारे में क्या। जैसे परमहंस परिव्राजक सुखदेव जी जैसे ज्ञानियों के अनुभव ही रास गई, तो गृहिणी घर वाली बेचारी गोपिका है इन्हों का अनुभव में कैसा रास है, घरवाली है ना, रोज सौ कामों के करने वाली, सारा कुटुंब भार उन्हों के सिर पर है, आशा पास भी है, मेरे पति मेरे पुत्र सब आशा पास होना चाहिए, सब भी है, किंतु उन्हों के स्थिति कैसी थी, जघुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना, किसी उच्च निष्ठा को चली गई गोपिका, चली गई कैसा, कब कैसा चले, श्री कृष्ण को कृष्ण तो उन्हों के हाथ पकड़ अपने सिर पर रखे उन्हों, स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदा। नहीं तो ऋषियों का भी काम दुर्जय है, देवों का भी काम दुर्जय है, ऋषियों का भी काम दुर्जय है। श्याम सुंदर अपने दृष्टि से उन्हों को, अपने स्पर्श से उन्हों को पवित्रित करके जो कुछ आत्मानुभव है उनको को दे दिया, अपने को दे दिया, यही अर्थ है। आत्मानुभव आत्मा कौन है, श्री कृष्ण ही है, कृष्ण अपने को दे दिया, कृष्णानुभव का प्राप्ति है रासलीला, यह रासलीला। ऐसे इस रासलीला को रहस्य को कौन जान सकता, स्त्री पुरुष भेद को न जानने वाला आत्मा राम ज्ञानी सुखदेव है, सुखदेव ही जान सकते हैं। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त है ऐसे श्रेष्ठ महात्मा भीष्म, भीष्म ही गोपियों के भाव को रहस्य को जान सकता, क्योंकि काम को परास्त कर दिया भीष्माचार्य। भगवान गोपेश्वर महादेव शंकर जी काम को दग्ध कर दिया, इसीलिए शंकर जी ही जान सकते हैं रासलीला को। नरसी मेहता को शंकर जी की रासलीला को दिखाई, कृष्ण की कृष्ण राधा कृष्ण की रासलीला को महादेव शंकर ही नरसी के हाथ पकड़कर दिव्य वृंदावन को ले जाए, वह हम कन्या को रासलीला को दिखाए, दिखा सकते हैं शंकर जी के, दिखा सकते हैं। इसीलिए व्रजवासी लोग गोपीश्वर महादेव को दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, वैष्णव लोग
ये सब वृंदावन व्रजवासी वैष्णवों में पूजा करने वाला। वैष्णव लोग क्यों पूजा करते हैं? वैष्णवानाम यथा शंभुः। महादेव जब कृष्ण कन्हैया को देखा उसी क्षण से परम वैष्णव हो गई। परम वैष्णव हो गई। वैष्णव मात्र नहीं, अपने आप गोपी हो गई। गोपेश्वर कहते हैं, यहां के वासी व्रजवासी तो गोपीश्वर कहते हैं। गोपी, गोपियों का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही गई। कैसा महादेव को गोपी, गोपी चासौ ईश्वर से गोपीश्वर न तो गोपी नाम ईश्वर, गोपी नाम ईश्वर कृष्ण ही गई। ईश्वर का ईश्वर हो जाने पर भी वह गोपी हो गई, गोपी हो गई। ईश्वर, ईश्वरत्व को भुला दिया। हम ईश्वर है, ईश्वर को भुला दिया। अहमेका गोपी, इस गीत तो महादेव जी ने गाया। महादेव देव जी अपने को गोपी भाव से अहम श्री वृंदावन में बैठ रहते हैं। इसीलिए उच्चतर श्री रासलीला तो व्रजलीला में श्रेष्ठतम रासलीला है। भगवान तो ऐसे ही अनुग्रह करने के लिए शरतचंद्र सुषमा से युक्त वृंदावन को देख उसी रात में बांसुरी बजाए। भगवान पिता रात्रि ही शरदुत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुं मनश्चक्रे योगमायां उपाश्रितः। योगमाया सचमुच राधा जी, राधा जी को आश्रित। क्या राधा के बिना रासलीला? राधा जी ही स्वामिनी है, राधा जी ही प्रेरणा करती है रासलीला करने के लिए। अपने साभी सब सखियों को अनुग्रह करने के लिए दयामयी, करुणामयी, प्रेममयी श्री राधा श्याम सुंदर को प्रेरणा करते हैं। योगमायां उपाश्रितः बांसुरी बजाया, वेणु बजावत री, वेणु बजाते निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, प्रेम वर्धन भगवान का वंशी धुनि, धुनि कान में पड़ दे सब सब काम को छोड़कर दौड़ दौड़ा आती है। इस घर से उस घर से उस घर से उस घर से उस विधि से दौड़ा आती है। क्यों दौड़ा आती है? उन्हों का सबका कांत श्री कृष्ण ही है। ऐसा दौड़ती है ये स्त्रियां, कहां दौड़ते गए? अपने कांत के पास दौड़ती है श्री सुखदेव जी। उसका कहते यत्र कांता जवलोल कुंडला, कांत सचमुच श्री कृष्ण ही है कांत। अपने कांत के दर्शन के लिए दौड़ आती है जो दोहन करने वाली बछड़े को दूध को भी छोड़कर दौड़ती, जो अपने परिवारों परिवारों के परिवेशन कर सकती करती है, बस सारे चीजों को रख दौड़ आती है। जो जो अपने आप श्रृंगार कर रही थी दौड़ा आती है, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कह दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़कर मेरे पास आओ, यही गीता में सार है। ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। क्यों कह दिया? कन्हैया तो जा कहने वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसा कहने वाला अपने अपने ड्यूटी को करो, यही मेरी पूजा मेरी उपासना, अपने अपने कर्तव्य कामों को करो, ऐसे कहने वाला श्री कृष्ण। उस कृष्ण को ये गोपियों मिलकर गीता को उलटा करके सब कर्मों को, हे कन्हैया क्या गीता है,
यह गीता कहे, क्या गीता है? ऐसा मत कहना, सब काम को, सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ, यही उचित है। इस गोपियों की गीता को जो जब भगवान सुने, उसी क्षण से इस गीता को खूब प्रचार करने वाला हो गए। प्रचार करने उपदेश करते हैं उसी क्षण से। इसीलिए क्या भक्तो, अपने कर्तव्य काम करना तो सामान्य धर्म है, सबको छोड़कर श्री कृष्ण को शरण लेना तो उत्तम कर्तव्य धर्म है। यही भागवत धर्म है, यही वैष्णव धर्म है। इस वैष्णव धर्म में ही गोपियां है। सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाने पर कन्हैया तो, किंतु हृदय से नहीं बोला, नहीं बोला, अधर से बोलता है। क्या क्या बोल दिया? वाचः पेशैः विमोहयन् नीगिः। सब गोपियों की परीक्षा करते हैं या लीला करते हैं, खास परिहास करते हैं। क्यों ऐसा तुम लोगों ने, क्यों ऐसा सबको छोड़कर दौड़ आ गई? क्या करना? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यामायया तद्बंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां च अनुपोषणम्। अपने पति की सेवा करें, सेवा करें। क्या हम सेवा नहीं करें? सेवा करना ही है। कर दिया, पति की सेवा करें। पति की, पतियों ने भेज दिया ये सब गोपियों को, कन्हैया अकेले बांसुरी बजाता है, तुम लोगों को बुलाता कहीं, इसलिए चलो चलो, क्योंकि पतियों की नींद ना, पतियों की नींद आती गई। एक तो निशी भर जागती गई, एक जागती गई, पसी तो नींद कर सो जाना। एक तो क्यों जागती गई? कन्या को सुमिरन करके जागृति गई, इसीलिए इसको भेज देना कि वो दो सो सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, तद बंधु नांच कल्याण, सास ससुरा, सास ससुरों की सेवा करा, जो कोई घर में को सबको सेवा करा। सबको सेवा करने के लिए ही स्त्री धर्म है, चुपचाप गए थे। सबकी सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, बूढ़ों की सेवा करे, पति की सेवा करे, घर के जो जो कुत्ता गाय सबकी सेवा करे। सेवा करने के लिए स्त्री जन्म है। अब इसमें भी सेवा करे, घर में भी सेवा करे, आने जाने वालों को भी इडली बनाकर सेवा करे, सदा सेवा करे, काम करे, काम करे, काम करे, इसी के लिए स्त्री जन्म है। अच्छा ठीक है, श्री कृष्णा तुमने बताया सेवा करे, सेवा करे, क्या सेवा करो? ऐसा जो बोलने वाला, ऐसे बोलने वाला गुरु को सेवा करना या छोड़ देना, नहीं सेवा कर। तब माता सेवा करो, पिता सेवा करो, पति सेवा करो, ऐसा जो बताता गई, उपदेश करता गई, उन गुरुजी की ही पहले सेवा करना। हमारो को गुरुजी तो तुम ही श्री कृष्ण, इसीलिए सेवा करने के लिए आ रहे, आ जाते। यत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयी से प्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किले बंधुरात्मा। उपदेश करने वाला आपको भी सेवा करे, सेवा करने के लिए आ जाते, आ रखे। पुरुषभूषण देहि दास्यम इति सेवा की प्रार्थना करते, उन्हों को भक्ति को भगवान वश हो गए। उसी क्षण रासलीला का आरंभ हुआ। उन्हों के बीच में कन्हैयालाल बहुत सुंदर सजा,
चंदन चर्चित नील कले बर पीतवसन वनमाली केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली हरीरिग मुग्ध वधूनि गाती गई नाचती गई कन्हैया के साथ। एक गोपी एक कन्हैया, एक गोपी एक कन्हैया, एक गोपी एक कन्हैया, हजारों कन्हैया, सब गोपियों को अलग अलग कन्हैया, ऐसा कीर्तन नर्तन कर रहे थे। बहुत आनंद उच्च हो गया। उसी क्षण साक्षात लक्ष्मी जी भी आकाश में देख रगती गई इस रासलीला। अपने पति शिय एकांत वल्लभम ऐसा कहे सुखदेव जी, अपने पति अपने को मेरे को छोड़कर इस गोपियों के साथ हाथ पकड़ कर नाचता गई और ऊपर से देख रगती गई लक्ष्मी जी क्या हुआ देख रहे यहां से देख लिया इनको मैंने गोपियों के हम तो लक्ष्मी जी बढ़कर भाग्यवती है क्योंकि लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश नहीं अलग रख दी है। नावुम शिया नितांत रथे के प्रसाद का स्वर्योषिताम नड़िन गंधरुचाम कुतो अन्या। उसी क्षण भगवान भगवान का अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभगमतम वीक्ष्यमानंज केशव प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। क्या कन्या इतना निष्ठुर है, ऐसी रासलीला में मुग्ध गोपियों को छोड़कर दौड़ गए। क्या ईसा निष्ठुर है, निष्ठुर नहीं प्रसादाय इन्हों के, क्योंकि संयोग भी मधुर है वियोग भी मधुर है। संयोग में एक ही कृष्ण, वियोग वियोग में ते सब और कृष्ण हो जाते, सब कृष्णमय हो जाते। एक तो गोपियों श्री वृंदावन में इधर उधर अपने कन्या को ढूंढती ढूंढती खोजती इधर उधर, जो जो वृक्ष है सारे वृक्ष को पूजते। हे कदम्ब कन्हैया कहा एक एक वृक्ष को, हे मल्लिके ज्योति यूधिके कृष्ण कहम ईसा ढूंढते ढूंढते चले तुलसी जी को देख, तुलसी को पूजा करके उसको आलिंबन आलिंगन करके कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय हमारो श्री कृष्ण को दिखाओ। उसी क्षण तुलसी जी तुलसी है न, इसीलिए चरण को दिखाया। वहां श्री कृष्ण के संग चक्र यव वज्र रेखा से अंकित जो चरण है, ये चरण ही गति है, सबको चरण ही गति है, चरण में भी भक्ति है, चरण ही गति की। चरण को दिखाया क्योंकि हाथ को पकड़ने से छोड़ दिया छोड़ दिया, चरण को पकड़ से कभी नहीं छोड़ते। हस्तमुक्षिप्य या तो बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। लीला सुख की दिव्य वाणी, हाथ को पकड़े तो हाथ को छोड़कर दौड़ जाता, चरण को पकड़े तो कभी चरण को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तुलसी देवी चरण को पकड़ो ऐसा दिखाए गोपियों तो धन्या अहो आमी आल्यका गोविंदाघ्र्यब्जरेण वह यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुहु मूर्त्न्या घनुत्तये। उसी चरण रच
सारे वृंदावन में चरण रज ही मुख्य है, चरण रज ही मुख्य में वृंदावन, वृंदावन के क्या महत्व है, वृंदावन के क्या महत्व, गंगा जी का क्या महत्व है, काशी का क्या महत्व है, प्रयाग को क्या महत्व है, गंगा जी गई, गंगा जी का क्या महत्व, या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांगरी रेण्वव्यति क्याम्बु नेत्री, भगवान श्री कृष्ण चरणोदक ही गंगा जी है, इसीलिए गंगा का महात्म्य। वैसा भगवान श्री कृष्ण का चरण अंकित श्री वृंदावन में सब और चरण रज ही गए, सब इस चरण रज को लेकर अपने सिर में वक्षस्थल में डालकर गोपियों विरह ताप से मुक्त हो गई, किंतु मुग्ध हो गई। ढूंढते ढूंढते तब श्री कृष्ण तो, भगवान श्री कृष्ण तो केवल राधा जी के साथ बाहुं प्रियां स उपधाय गृहीत पद्म, राधा जी के पीठ पर अपने हाथ रखकर दूसरे हाथ में कमल फूल को घुमाते हे कन्हैया वृंदावन वीथि में चल रहे। इधर उधर बहुत पेड़ों में, एक पेड़ों से पुष्प लताम लताम तो पुष्प गिरते ही फल गिरते ही मंद मंद मारुत है बीच बहु पक्षियां कन्हैया को कीर्तन करते गान करते है। ऐसे ही वृंदावन वीथि में एक जुगड़ सरकार एक जुगड़ जोरी चल रहे थे। तब राधा जी को कन्या के साथ में चलने में खुशी है, तथापि अपने सहेलियों का सुमिरन आ रहे थे, अपने गोपियों को घोर जंगल में छोड़कर अकेले कन्या के साथ जाना तो राधा को क्या पसंद है। इतना स्वार्थ है श्री राधा जी के हृदय में कभी नहीं है, इसीलिए अपने को कन्या के हाथ से छुटाती है, छुटाया कन्या के हाथ से, कन्या सो उसके पीठ पर गले पर हाथ रखे गए किंतु उस हाथ से अपने को छुटाया। दौड़ के जी अपने सखियों के पास, श्री कृष्ण तो राधा जी को नहीं कभी छोड़ सकता। सखियों इधर उधर कन्या को ढूंढ रखे आए रखती थी, राधा जी को पकड़ गई। श्री राधा जी उन्होंने बताया इधर उधर क्या श्री कृष्ण को ढूंढ करने से क्या कृष्ण मिलेगा, हम तो एक और रासस्थली में जाके संकीर्तन करें तो श्री कृष्ण अपने आप दौड़ आ जाएंगे। श्री राधा जी के आदेशानुसार सारी गोपियां राजस्थली को लौट आकर वहां संकीर्तन करे, तन्मनस्कास्तदालापा तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यगानात्मागाराणि सस्मरुः। मनस वाक काय त्रिकरण से ही भक्ति करना चाहिए, ऐसी कीर्तन करती है। जयति ते अधिकं जन्मनां व्रजः शयत इन्दिरागा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवगा त्वां विचिन्वते। श्री वृंदावन तो वृंदावन को जय हो, क्योंकि वैकुंठ से बढ़कर वृंदावन का ही जय है। वैकुंठ से बढ़कर क्यों, वृंदावन की एक गोपी भी नहीं वैकुंठ जाने की नहीं चाहती है, किंतु वैकुंठ लक्ष्मी तो सदा वृंदावन में भी वास करती है।
शयत इंदिरा सस्वदत्रहि क्यों वैकुंठ में रासलीला नहीं, वृंदावन में भी रासलीला है। रासलीला को अनुभव है, रासलीला को देखने के लिए लक्ष्मी जी यहां नित्य वास करें तो तब वृंदावन वैकुंठ से बढ़कर श्रेष्ठ है। वैकुंठ से ऐसी प्रेम वाली गोपियां यहीं है, वैकुंठ सुंदरियों के द्वारका के जो सुंदरियां रुक्मणी सत्यभामा जाम्बवती कालिंदी जितने जगन्माता सब सब लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसे जगन्माता तो एक बार राधा जी को देखा, एक बार कुरुक्षेत्र में, तब सारी देवियां भगवान की देवियां श्री राधा जी को चरण सेवा की, ऐसा कहा कि गर्ग संहिता में भागवत में भी गुप्त रूप में कह दिया श्री सुखदेव जी, गर्ग संहिता में प्रकट कर दी सारी देवियां राधा जी की चरण सेवा की। तो तब गोपियां का राधा जी का एक वृंदावन का महात्म्य कैसा था, ऐसा प्रेम है जिसको भी हृदय में थोड़ा सा प्रेम हो तो उस राधा जी की कृपा के बिना किसी को भी हृदय में प्रेम का भाव नहीं। राधा जी की कृपा से गोपियां तो राधा जी की दूसरी मूर्ति गई, ललिता विशाखा चंपकवल्ली तुंग विद्या ये सब राधा जी की दूसरी मूर्ति है, राधा जी की सखी मानते हैं, इसीलिए ये लोग प्रेममयी है। सबको छोड़कर कन्याक में चित त्रुटिरी युगायते त्वाम अवश्यता कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते, एक क्षण भी श्री कन्या को बिरह को नहीं सक सहन सक। ये सब इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रडपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा। भजन करती है ताली गाती गाती ताली बजाती भजन करती गई कन्हैया नहीं आ गई, फिर प्रलाप करती है इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, क्या गान कन्हैया प्रगाजयति तेधिकं जन्म नाम व्रजगा गाती है न, तब कन्हैया तो तत्रैव अंदर दीयता छिप रखता गई, इसीलिए बांसुरी बजाते जयति तेधि क्यम जन्म नाम व्रज बांसुरी धुनी भी रोक दिया और गाओ और गाओ शयत इंदिरा गान करते साधु साथ गान करते, किंतु नयन में नहीं आ गई। गान कर को छोड़कर प्रलाप करने वाली गोपियां, हे श्याम सुंदर हे हमारो प्राण आग ये से जल्दी तुमको देना देखना, ऐसा प्रलाप करते तब कन्या भी उन्हों के बीच में राधे राधे मत रो जल्दी आ जाऊं, तुम चुप रहो सांत्वना करो, ऐसा ही कन्या भी प्रलाप करते हैं साथ साथ। फिर फुट फुट रोती रो दुहु सुस्वरम राजन्नी, कन्या देखा कन्या भी आम सुबरे नयन से फुट फुट रोता रोती है राधा, इसलिए कन्या भी रोता है। फिर कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोपियां राधाम कृष्ण दर्शन के लिए ऐसी लालसा
तड़प रहती है, ऐसे लालसा उसी क्षण तासम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजगा पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथेगा। श्री कृष्ण का आविर्भूत स्वरूप मंद मंद मुस्कान से कमर में दिव्य पीतांबर रे, गले में बैजयंती माला, सिर में मोर पंख, हाथ में बांसुरी लेकर उनों के बीच में भगवान का आविर्भूत है। एक तो रासपंचादी के आरंभ में कह दिया सुखदेव जी ने भगवान पी, एक मनुष्य लीला नहीं, मनुष्य लीला तो आता